हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी देने जा रहा हूँ। ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं उत्तराखंड यूके SSSC ग्रुप सी, DLED, फॉरेस्ट गार्ड, उत्तराखंड PSC पुलिस, UBTR ग्रुप सी, ग्रुप डी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें कि उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार किस जनपद में सबसे कम प्रतिशत शिक्षित हैं? उत्तराखंड की 2011 की जनगणना के अनुसार किस जनपद में सबसे कम प्रतिशत शिक्षित हैं? तो सही उत्तर है उधम सिंह नगर। उत्तराखंड में जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके अनुसार उधम सिंह नगर जो जनपद है वहाँ पर सबसे कम प्रतिशत शिक्षित हैं। क्वेश्चन सेकेंड है, 2011 के अनुसार राज्य का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जनपद है? उत्तराखंड राज्य की 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है, जिला कौन सा है? सही उत्तर है हरिद्वार। उत्तराखंड राज्य की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जनपद जो जिला है वो हरिद्वार है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 2001-2011 के दौरान निम्न में से किस जिले का जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रहा? 2001 से 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले का जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रहा है? ए अल्मोड़ा, बी चमोली, सी नैनीताल, डी पिथौरागढ़। सही उत्तर है अल्मोड़ा। उत्तराखंड राज्य की 2001 से 2011 की जनगणना के अनुसार अल्मोड़ा जिले का जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रहा है। क्वेश्चन नंबर चार है, वर्ष 2001 के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या थी? वर्ष 2001 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या कितनी थी? सही उत्तर है 85 लाख। उत्तराखंड राज्य में जब वर्ष 2001 में जनगणना हुई थी तो उसके अनुसार उत्तराखंड की जो जनसंख्या थी वो 85 लाख थी। क्वेश्चन नंबर पाँच है, 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद है? 2011 की जो जनगणना हुई है उसके अनुसार उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है? सही उत्तर है देहरादून। उत्तराखंड राज्य की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जो जनपद है वो देहरादून है। क्वेश्चन नंबर छः है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष व महिला साक्षरता है? उत्तराखंड राज्य की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में पुरुष व महिला साक्षरता कितनी है? सही उत्तर है 87.82% व 70%। उत्तराखंड राज्य की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में पुरुष व महिला साक्षरता 87.82% पुरुष साक्षरता है और 70% महिला साक्षरता है। बहुत ही अच्छी जानकारी है। उत्तराखंड राज्य की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में 87.82% पुरुष साक्षरता है और 70% महिला साक्षरता है। क्वेश्चन नंबर सात है, 2011 के अनुसार राज्य में औसत साक्षरता दर है? उत्तराखंड राज्य की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में औसत साक्षरता दर कितनी है? सही उत्तर है 78.82%। उत्तराखंड राज्य की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की औसत साक्षरता दर 78.82% है। उत्तराखंड राज्य की जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार उत्तराखंड राज्य में औसत साक्षरता दर जो है वो है 78.82%। क्वेश्चन नंबर आठ है, 2011 के अनुसार निम्न में से किसमें जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही? 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार उत्तराखंड राज्य में किस जनपद की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो ऋणात्मक रही? ए अल्मोड़ा, बी पिथौरागढ़, सी रुद्रप्रयाग, डी उत्तरकाशी। सही उत्तर है अल्मोड़ा। उत्तराखंड राज्य की 2011 की जनगणना के अनुसार अल्मोड़ा जो जनपद है इसकी जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है। क्वेश्चन नंबर नौ है, 2011 में उत्तराखंड का दशकीय वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से? सही उत्तर है अधिक रहा। 2011 में जो उत्तराखंड की जनगणना हुई थी उसके अनुसार उत्तराखंड का दशकीय वृद्धि दर जो प्रत्येक दशक में जो वृद्धि दर होता है वो राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा है उत्तराखंड का। क्वेश्चन नंबर दस है, 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है? उत्तराखंड राज्य की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है?
सही उत्तर है अल्मोड़ा। तो सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात वाला जिला है वो अल्मोड़ा है 2011 की जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 11 है, 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। उत्तराखंड राज्य की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जो लिंगानुपात वाला जिला है, सबसे कम जहाँ पे लिंग अनुपात है वो हरिद्वार है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 2011 के अनुसार सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है। उत्तराखंड राज्य की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनघनत्व वाला जिला उत्तरकाशी है। उत्तरकाशी 2011 की जो जनगणना हुई है उत्तराखंड में, उसके अनुसार सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है। उत्तराखंड राज्य की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला उधम सिंह नगर है। उत्तराखंड राज्य में जो 2011 की जनगणना हुई है उसके अनुसार जो सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है वो उधम सिंह नगर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 2011 के अनुसार राज्य के कितने जिलों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है? सही उत्तर है 3। उत्तराखंड राज्य की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के 3 जिलों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा ऐसे कौन से 3 जिले हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, या फिर आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, 2011 के अनुसार राज्य के कितने जिलों की साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों की साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है? सही उत्तर है 0। अच्छा, कोई भी जिला नहीं है 2011 की उत्तराखंड की जनगणना के अनुसार जिसकी साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 2011 के अनुसार सबसे कम नगरीकृत जिला है? सही उत्तर है बागेश्वर। उत्तराखंड राज्य की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम नगरीकृत जिला बागेश्वर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 2011 के अनुसार सबसे अधिक नगरीकृत जिला है? सही उत्तर है देहरादून। उत्तराखंड राज्य की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जो नगरीकृत जिला है वो देहरादून है। क्वेश्चन नंबर 18 है, 2011 के अनुसार इनमें किसकी आबादी न्यूनतम है? उत्तराखंड राज्य की 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की आबादी न्यूनतम है? जो ऑप्शन दे रखे हैं ए उत्तरकाशी, बी रुद्रप्रयाग, सी बागेश्वर, डी चंपावत। सही उत्तर है रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड राज्य की 2011 की जनगणना के अनुसार रुद्रप्रयाग जो जिला है इसकी आबादी न्यूनतम है। क्वेश्चन नंबर 19 है, 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शिशु जनसंख्या प्रतिशत है? उत्तराखंड राज्य की 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में जो उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या है उसमें शिशु जनसंख्या प्रतिशत कितना है? सही उत्तर है 13.44%। उत्तराखंड राज्य में जो 2011 की जनगणना हुई है उसके अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में शिशु जनसंख्या प्रतिशत 13.44% है। क्वेश्चन नंबर 20 है, 2011 के अनुसार 2001 से 11 के दौरान राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर रही? सही उत्तर है 18.81%। उत्तराखंड राज्य की 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान उत्तराखंड राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर 18.81% रही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, 2011 के अनुसार 2001 से 11 के दौरान दशकीय वृद्धि दर में सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई? ऑप्शन है हरिद्वार में, देहरादून में, उधम सिंह नगर में, नैनीताल में। सही उत्तर है देहरादून में। उत्तराखंड राज्य की 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान दशकीय वृद्धि दर में सर्वाधिक बढ़ोतरी देहरादून में हुई है। क्वेश्चन नंबर 22 है, 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान राज्य के औसत लिंगानुपात में कितने की वृद्धि हुई है? सही उत्तर है 1 की। उत्तराखंड राज्य की 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान उत्तराखंड राज्य के औसत लिंगानुपात में 1 की वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 23 है, 2011 के अनुसार राज्य के कितना प्रतिशत आबादी शहरी अधिवासों में रहती है? सही उत्तर है 30.23%। उत्तराखंड राज्य की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की 30.23% आबादी शहरी अधिवासों में रहती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, 2011 के अनुसार राज्य में औसत लिंगानुपात है? उत्तराखंड राज्य की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में औसत लिंगानुपात कितना है? सही उत्तर है 963। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है, RO 2017 में आया था। उत्तराखंड राज्य की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में औसत लिंगानुपात 963 है। क्वेश्चन नंबर 25 है, 2011 के अनुसार राज्य के शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना है? सही उत्तर है 884।
उत्तराखंड राज्य की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात 884:884 है। क्वेश्चन नंबर 26 है, 2011 के अनुसार राज्य के शहरी आबादी में 10 की वृद्धि दर हुई, सही उत्तर है 39.94% की। उत्तराखंड राज्य की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के शहरी आबादी में 10 की वृद्धि दर 39.94% की हुई है। क्वेश्चन नंबर 27 है, 2011 के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता है, सही उत्तर है 78.82%। उत्तराखंड राज्य की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता 78.82% है। क्वेश्चन नंबर 28 है, 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत जिलों का निम्न में कौन सा क्रम सही है। उत्तराखंड राज्य की 2011 की जो जनसंख्या है उसके अनुसार सबसे ज्यादा जो नगरीकृत जिले हैं उसका जो सही क्रम है, सबसे ज्यादा जो नगरीकृत जिला है देहरादून, देहरादून से ज्यादा नैनीताल, नैनीताल से ज्यादा हरिद्वार। तो 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार जो उत्तराखंड राज्य के सबसे ज्यादा नगरीकृत जिले हैं उनका जो सही क्रम है वो है देहरादून ज्यादा है नैनीताल से और नैनीताल ज्यादा है हरिद्वार से। तो इसका जो सही उत्तर हो गया, पहले मैंने गलत बता दिया था, तो सही होगा सबसे ज्यादा जो नगरीकृत जिला है वो देहरादून है, इसके बाद नैनीताल है और इसके बाद हरिद्वार है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के जो सबसे ज्यादा नगरीकृत जिले हैं उसका जो सबसे ज्यादा जो नगरीकृत जिले हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे ज्यादा जो उत्तराखंड राज्य का नगरीकृत जिला है 2011 की जनगणना के अनुसार वो देहरादून है, इसके बाद नैनीताल है और इसके बाद हरिद्वार है। क्वेश्चन नंबर 29 है, 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है। उत्तराखंड राज्य की 2011 की जनगणना के अनुसार ऐसा कौन सा जिला है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है। ए चमोली, बी बागेश्वर, सी रुद्रप्रयाग, डी चंपावत, सही उत्तर है रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड राज्य की 2011 की जनगणना के अनुसार रुद्रप्रयाग जिले की जनसंख्या सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 30 है, 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है। उत्तराखंड राज्य की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा महिला साक्षरता वाला जिला देहरादून है। 2011 की जो उत्तराखंड राज्य की जनगणना है उसके अनुसार जो सबसे ज्यादा महिला साक्षरता वाला जिला है वो देहरादून है। क्वेश्चन नंबर 31 है, 2011 के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है, सही उत्तर है उत्तरकाशी। उत्तराखंड राज्य की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जो महिला साक्षरता वाला जिला है वो उत्तरकाशी है। सबसे ज्यादा महिला साक्षरता वाला जो जिला है 2011 की जनगणना के अनुसार वो देहरादून है और सबसे कम जो महिला साक्षरता वाला जिला है उत्तराखंड राज्य का 2011 की जनगणना के अनुसार वो उत्तरकाशी है। क्वेश्चन नंबर 32 है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में नैनीताल का स्थान है, सही उत्तर है चौथा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की जो जनसंख्या है उसमें नैनीताल का स्थान चौथा है। क्वेश्चन नंबर 33 है, उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व है ए 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बी 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सी 170 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है उपरोक्त में से कोई नहीं। आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, या फिर आप मेरे को कमेंट करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जनपद कौन सा है। सही उत्तर है देहरादून। उत्तराखंड राज्य का सबसे ज्यादा नगरीकृत जनपद देहरादून है। क्वेश्चन नंबर 35 है, उत्तराखंड राज्य के निम्न जनपदों में किस जनपद की जनसंख्या सबसे अधिक है। यहाँ पे जो जनपद जिले दे रखे हैं उसमें से बताना है कौन सा ऐसा जिला है जिसका की जनसंख्या सबसे अधिक है। ए चमोली, बी पौड़ी गढ़वाल, सी हरिद्वार, डी उत्तरकाशी, सही उत्तर है हरिद्वार। उत्तराखंड राज्य का जो हरिद्वार जनपद है, हरिद्वार जिला है, उसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, उत्तराखंड में निम्न में किस जनपद की सबसे कम जनसंख्या है। ऐसा कौन सा जनपद है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है। ऑप्शन दे रखे हैं ए देहरादून, बी बागेश्वर, सी हरिद्वार, डी पिथौरागढ़। देहरादून, बागेश्वर, हरिद्वार, पिथौरागढ़ में से बागेश्वर जो जनपद है, बागेश्वर जो जिला है, उसकी जनसंख्या सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 37 है, उत्तराखंड में निम्न में किस जनपद की पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है। ऐसा कौन सा जनपद है जिसकी की पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है। ए चमोली, बी अल्मोड़ा, सी देहरादून, डी हरिद्वार, सही उत्तर है हरिद्वार। उत्तराखंड राज्य का जो हरिद्वार जनपद है वहां की पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है।
क्वेश्चन नंबर 38 है, जनगणना 2011 की अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का कितना प्रतिशत निवास करता है? सही उत्तर है 0.83%। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की, उत्तराखंड जो राज्य है वहाँ पे, जो भारत पूरा देश है उसकी जो आबादी है उसका 0.83% निवास करता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, उत्तराखंड में महिला साक्षरता की दर क्या है? सही उत्तर है 70.70%। उत्तराखंड राज्य में महिला साक्षरता की दर 70.70% है। क्वेश्चन नंबर 40 है, 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक जल साक्षरता दर वाला जिला है? सही उत्तर है देहरादून। उत्तराखंड राज्य की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला जिला देहरादून है। क्वेश्चन नंबर 41 है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या है? 2011 में जो उत्तराखंड राज्य की जनगणना हुई है उसके अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या 1,86,292 है उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या 1,86,292 कुल जनसंख्या है उत्तराखंड राज्य की 2011 की जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 42 है, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? सही उत्तर है 70वां। 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार साक्षरता में उत्तराखंड का देश में 70वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 43 है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद है? सही उत्तर है हरिद्वार। ऑप्शन है अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, तो हरिद्वार सही उत्तर है। 2011 की जो उत्तराखंड की जनगणना हुई है उसके अनुसार उत्तराखंड का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जनपद हरिद्वार है। क्वेश्चन 44 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में थी? ए उत्तरकाशी, बी टिहरी गढ़वाल, सी हरिद्वार, डी उधम सिंह नगर, तो सही उत्तर है उधम सिंह नगर में। वर्ष 2011 की जो जनगणना हुई है उसके अनुसार उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर उधम सिंह नगर जिले में थी। क्वेश्चन 45 है, लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है? सही उत्तर है 13वें। लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में 13वें स्थान पर है। क्वेश्चन 46 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में स्थान है? सही उत्तर है 25वां। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में 25वां स्थान है। इस वीडियो में उत्तराखंड राज्य के संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न होते हैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित, उनकी जानकारी दी गई है। जो कैंडिडेट्स उत्तराखंड राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं UK SSSC, ग्रुप सी, UPTR, DLED, फॉरेस्ट गार्ड, उत्तराखंड PSC, पुलिस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें कि उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न आते हैं और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि TET, SSC, बैंक, रेलवे आदि की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहे और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।